कोरोना जैसी महामारी के लिए जहां प्रदेश सरकार व प्रशासन लगातार जूझ रहा है, वहीं रोहड़ूवासी भी सरकार व प्रशासन की मदद करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। रोहड़ू उपमंडल के लोग प्रशासन को लाखों रुपए का चंदा देकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत कर रहे हैं। जब से विश्व में कोविड-19 फैला है, तब से शिमला जिला प्रशासन ने भी इसको लेकर कई अहम कदम उठाए हैं। वहीं रोहड़ू उपमंडल के लोग रोहड़ू एसडीएम कार्यालय आकर एसडीएम बीआर शर्मा को लाखों में चंदा देकर इस लड़ाई को सफल बनाने में लगे हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने 5 लाख, दिनयू जय दुर्गा को ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी ने 11 लाख, मोतमिन बोंद्रा देवता भगत ठाकुर ने 2,11,000, विनय जिंटा ने 2 लाख और नेगी ने 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए दिए हैं। इसके अलावा कई अन्य लोगों ने भी महामारी से मुकाबला करने के लिए खुलकर दान दिया है। वहीं रोहड़ू में गरीबों और जरूरतमंदों को राशन व अन्य आवश्यक सामग्री भी वितरित की जा रही है। हम चाहते हैं कि लोग इस जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉकडाउन का किया हुआ है, उस हिसाब से सारे लोग इसका पालन करें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, ताकि ये जो एक दूसरे को आगे फैले ना, भगवान ना चाहे कि ये थर्ड स्टेज में ना आए। इसलिए जो घर में रहने वाले कई गरीब है, उनको राशन वगैरह के लिए इसलिए हमने थोड़ी सी एक राशि दी है। क्रिटिकल पोजीशन में जा रहा है सर, कोरोना जो बीमारी है विश्व भर में फैली हुई है, और हमारे जो बेचारे कोई गरीब है, कोई जो बाहर जिनको खाना नहीं मिल रहा, कुछ और नहीं मिल रहा, इसकी जो कुछ हमने सहायता थोड़ी बहुत की ये हमने दी है। और बाकी वैसे लोगों से मेरी भी यही है कि भाई घर में रहें, इसका लॉकडाउन का पालन करें, और ताकि जो है ये जो बीमारी जो है फैले नहीं। और यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीएम साहब, पुलिस विभाग, जो बेचारे क्या नाम सफाई कर्मचारी, डॉक्टर लोग हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, इनके लिए भी कुछ सहयोग होना चाहिए। सिटी चैनल के लिए रोहड़ू से प्रदीप राही की रिपोर्ट।